भिवानी की राजीव कॉलोनी में एक विवाह समारोह में अनोखे तरह का भात रस्म देखने को मिला, जिसमें किन्नरों ने एक भाई बहन भाभी बनकर भात भरा, जो कि पूरी भिवानी में चर्चा का विषय बना हुआ है। भात की रस्म अदा कर एक बहन की खुशियों को चार चांद लगा दिए। परंपराओं के मुताबिक महंत बुलबुल किन्नर ने अपनी धर्म बहन को चुंदड़ी ओढ़ाई और भात की रस्म अदा की। निर्मला के परिवार के लोगों और हर रिश्तेदार को चांदी के सिक्के देकर रस्म अदायगी की। महंत बुलबुल किन्नर का कहना था कि आम तौर पर समझा जाता है कि किन्नर समाज मुख्य धारा से अलग है, लेकिन उन्हें रिश्ते नाते निभाने आते हैं और वे भी अच्छे से सारी रस्में जानती हैं। मेरी बहन है, मेरी ये बहन है और इसके लड़कों की शादी में भात भर रही हूँ, भाई बन के भी बहन बन के भी। रिश्ते नाते तो आप भी समझते हो बना के चलना चाहिए, रिश्ते नाते तो धर्म बड़ा होता है, तो वो तो सगी हैं, सगियों को तो दुनिया मानते हैं, तो ऐसे रिश्ते बना के उनको मानो। आज तो के भौतिकवादी समय में अपने भी पराये हो जाते हैं, लेकिन उन्हें रिश्ते नातों की फिक्र है। उनका कहना था कि लोग गाय और बेटी की कद्र करना भूल गए हैं, जो कि चिंता की बात है, लेकिन किन्नर इस बात को बखूबी समझते हैं। उनका कहना था कि नकली किन्नरों के कारण समाज में उनकी छवि खराब हो रही है, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। भिवानी से जिंदगी लाइव के लिए सरदार कृष्ण सिंह। तो हम किन्नर हैं तो ये थोड़ी हम रिश्ते नाते नहीं जानते, रिश्ते नाते हम बहुत अच्छे से निभाते हैं। चीज तो ऐसी कुछ नहीं, प्यार है खास चीज, तो रिश्ते हैं बस। तो मैं तो ये कहूंगी, आपने बताई है गौ माता की और जैसे बेटी की तो कदर है ही नहीं, ठीक है। और मैं अभी एक अपने जो समाज है उनको मैं बताना चाहती हूँ, जिस तरह अपनी बेटी की इज्जत करो, गौ माता की इज्जत करो तो अच्छा है, तो बढ़िया रहेगा। या बेटी का धर्म और गौ माता का धर्म बहुत मैं मानती हूं। कपड़े फल फ्रूट ऐसे मिठाई विठाई और जैसे भी आम लोग जैसे ऐसे करते हैं भाई, 51 की मान या 21 की, 101 की, 251 की, मैंने चांदी के सिक्के बनवाए, चांदी के सिक्कों से मान कर के और चांदी के सिक्कों से मान करूंगी, जैसे दुरानी की, जिठानी की, दादा की, दादी की, वह उनकी सबकी, हाँ जी सबको चांदी के सिक्के दूंगी। कपड़े लते कपड़े लतों के साथ ऐसे चांदी के सिक्के रख के ऐसे मान सम्मान से ऐसे भावना होती है, जैसे श्रद्धा होती है भगवान में, धर्म में। और ऐसे भी किन्नर है, किन्नर जैसे किन्नरों की ऐसी छवि बनी हुई तो हटके किन्नरों से भी तो हटके करना चाहिए ना। तो हम किन्नर हैं तो ये थोड़ी हम रिश्ते नाते नहीं जानते, रिश्ते नाते हम बहुत अच्छे से निभाते हैं। चीज तो ऐसी कुछ नहीं, प्यार है खास चीज, तो रिश्ते हैं बस। और जैसे हमारे लोगों को बदनाम किया जाता है ऐसे ऐसे रूप धर धर के हमारे किन्नरों का, और जैसे ट्रेनों में फिरते हैं, बत्तियों में फिरते हैं, इनके मामले में हम ये कहेंगे या तो समाज भी या कानून कार्रवाई करी जाए इनके खिलाफ। असली है वो तो खुशियों में जाते हैं, डेरों में रहते हैं। खुशी बुलबुल महंत जी की चेला फरकनगर से, मैं एमबी इंग्लिश हूँ और कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का डिप्लोमा किया हुआ है और बीटेक किया। आपने नौकरी के लिए? नहीं जी, हमारी तरफ गवर्नमेंट की कोई भी जो फैसिलिटीज है हमारी तरफ तक नहीं पहुंच पाती, ना ही अगर पहुंच भी पाती हैं तो हम लोग जो हमारा काम है कि खुशियों पर जाना, खुशी के मौके पर जाना, हम अपना वही काम कर पाते हैं कि गवर्नमेंट की दी फैसिलिटीज हमारे तक नहीं पहुँच पाती। डिमांड ये है कि जो लोग एजुकेटेड हैं उनके लिए जो जॉब सरकार देती है निकालती है उनके लिए जो फैसिलिटी हमारे तक पहुंच ही नहीं पाती, तो वो जो जॉब्स वगैरह पढ़े लिखे लोगों को, पढ़े लिखे किन्नर्स को मिलनी चाहिए। जो एजुकेटेड किन्नर्स हैं वो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो लोग जॉब वगैरह नहीं कर पाते। अब जो हमारी लाइन ही अलग होगी तो इसलिए समाज से थोड़े कट ऑफ हो जाते हैं, तो मुख्यधारा में हम ऑटोमेटिक ही नहीं हो पाते। जब समाज हमें ऑटोमेटिक कटने की कोशिश काटने की कोशिश करता है या कटते हैं तो ऑटोमेटिक ही हम मुख्यधारा के अंदर नहीं हो पाते। पढ़ी लिखी है सारी,
मेरी गुरु बुलबुल महंत जी के जो धर्म की यहाँ बहन बनी हुई है, हम उनके बेटों की शादी है, वहाँ पे भात भरने के लिए हम जा रहे हैं। बहन बन के भी, भाई बन के भी, सारे सारे रिश्ते लगा लो कि कोई भाभी का रिश्ता निभा रहा है, कोई देवर का, सारे ऐसे अलग अलग रिश्ते सब। दीवानी सी जिंदगी लाइव के लिए सरदार कृष्ण सिंह जी कसौती खुशी है, सारी चीज दी जी, खूब खुशी है मेरे, खूब चीज दे दी, कोई कसर नहीं छोड़ी जी। भाई बहन डाले चाहे बारह बाण बना का ये था भाई, फिर से चांदी के रुपये दिए।